अगर मेरे घर में मेरा कोई नाम लेना रूबी रूबी तो मैं नहीं सुनती, कहेंगे मोटी तो मैं कहूँगी जी। तो ये इतनी आदत। वाह, पोज कैसे देने होते हैं? मैं ना आपको हक करना चाहती हूँ, तो देखते हैं कि आप कर सकती हो कि नहीं। अगर मैं बात करूँ जन्नत मिर्जा की, वो कितने पैसे लेती हैं जाने? मिर्जा तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद, और आज मेरे साथ मौजूद हैं रूबी मलिक। इनका तारुफ मैं आपको क्या करवाऊँ, ये बेसिकली तो डॉक्टर हैं, टिकटॉकर भी हैं, ब्यूटिशियन हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। शक्ल से वैसे मतलब जिस तरह से इनकी सेहत है ना, मुझे तो पहलवान ही लगती है, तो मैं तो उनको रूबी पहलवान ही बोलूँगी। इनके पास मैं एक इंसान बात करते हैं कि भाई ज़िंदगी जो है खाने पीने के अलावा कैसी चल रही है, क्योंकि खाना तो आपको नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? पहले तो तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। पहलवान, पहलवान की दुकान पे तो नहीं मैं जाती, पहलवान हमारे मोहल्ले में ना एक दुकान का नाम है, वहाँ पे ना सौदा सुदा मिलता है, तो वही खा खा के ना हम मोटे हुए हैं। मतलब लड़कियाँ जो होती है ना बड़ी नाजुक सी होती है, कमजोर सी, ऊंच आउच इस तरह के वाली, तो आप तो पूरा पहलवान। अभी सोफे पे जगह नहीं थी मेरी। तुम कितनी प्यारी, तुमने मुझे लड़की कहा, ओ माय गॉड, तुम तो बहुत अच्छी एंकर हो। आइंदा मैंने सारे इंटरव्यू इसी एंकर को देने, इसलिए मुझे गर्ल का है, लड़की लड़की। आप लोग क्या कहते हैं वैसे? मुझे ज़्यादातर कहते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं, आप ही कहते हैं, मोटो मोटरोला कहते हैं। सबसे अच्छा नाम मोटरोला है। हेलो मोटो। हेलो मोटो, तो वो मैंने लगता है कंपनी ने मैंने भी वेख के बनाया सी, हेलो मोटो मोटो करते हुए। बात इस तरह से है कि मुझे ये लफ्ज़ सुनने की इतनी आदत पड़ गई है कि अगर मेरे घर में मेरा कोई नाम लेना रूबी रूबी तो मैं नहीं सुनती, कहेंगे मोटी तो मैं कहूँगी जी। तो ये इतनी आदत पड़ गई हुई है, मैं क्या करूँ, तुम लोगों ने आदत डाल दी है मुझे। एक बात सोच रही हूँ कि आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर तो बड़े स्लिम स्मार्ट होते हैं, आपने कभी खुद पे कोशिश नहीं की कि मैं सुनो, जितनी स्लिम स्मार्ट है ना एक जैसी लगती है सारी, पतली पतली दुबली दुबली जैसे भिंडियाँ होती हैं, कम से कम मैं अच्छी तो लगती हूँ ना तुम्हें, प्यारी तो लगती हूँ ना, जाऊँ तो पता तो चलता है ना डॉक्टर भी आ गई है। अच्छा, मेरा ना एक ख्वाब है जो मैंने अभी अभी देखा है कि मैं ना आपको हक करना चाहती हूँ, तो देखते हैं कि आप कर सकती हो कि नहीं। ये देखो मेरे हाथ इधर तक आ रहे हैं, पूरे जा भी नहीं रहे हैं, इतनी तो पतली हो जाए कि मैं ऐसे हक तो कर सकता। काफी ट्राई मारते हैं, आप मुझे तो कर ही लेंगे, मैं तो आपके आंचल में आ जाऊंगी। ये बड़ी तेज है, किसी दिन शेर को हक कर लेते हैं, किसी दिन किसी को हक कर लेते हैं। लड़के जो होते हैं वो भी आपको कहते होंगे मोटी मोटी मोटी? लड़कों को तो पूछो ही ना, बदतमीज हैं बहुत ही ज्यादा, उनकी गंदी हरकतें हैं, वो कहेंगे मोटो किधर चले हो, लो पीछे मुड़ के देखो तो नजर नहीं आते। हाँ, तो बस इसी तरह से गया। लड़कों का तो क्या ही बात है, तुम अंकलों की बात करो, अंकलों की भी नहीं, मेरा टॉपिक फेवरेट टॉपिक बात करते हो। अंकल क्या कहते हैं? अंकल मुझे कहेंगे बासनी जी हेलो कैसी हैं आप, और सुनाएं आप अकेली रहती हैं कि फैमिली के साथ? मैं कहती हूँ जी फैमिली के साथ। अपने अंदर 20 फैमिलियां लेके घूम रही हैं, आप लोगों को नजर नहीं आता? अंदो चलते ही एक भी फैमिली मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं अकेले से काम कर रही होती हूँ। अच्छा, आप सच्ची सच्ची मुझे बताएं कि डॉक्टर हैं, टिकटॉकर हैं, ब्यूटिशियन हैं, या मॉडल जो भी हैं? मेरी बात सुनो, इन फ्यूचर की मैं मॉडल हूँ, बाकी जो जितनी जितनी चीज़ें बताई हैं वो ऑलरेडी मैं हूँ। सुनो, तुम यूरोप में जाके देखो मेरी ब्यूटी के कितने कितने चर्चे हैं, दुबई में मैंने एक शूट किया था, वो कहते थे जी अल्लाह क्या बात है डॉक्टर साहबा, आपके जैसे तो कोई मॉडल हमने आज देखा ही नहीं। आप मुझे बताओ, खुद सोचो मेरे जैसी मॉडल कभी देखी है आपने? नहीं देखी। तो बस फिर खुद ही फैसला कर लो। अच्छा, डॉक्टर भी हैं, तो किस चीज़ की डॉक्टर हैं? यार MBBS हूँ अभी, देखो मैं डॉक्टर डॉक्टर को छोड़ो, हर वक्त पढ़ाई की बातें ना किया करो, तुम्हें पता है वो मैं ना अली फनार बे बकरी वाली डॉक्टर नहीं हूँ। मैं हूँ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉल। अच्छा, होए 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 होए, और डॉल के बाद एंड कहाँ होते हैं? बेबी डॉल, यानी रूबी डॉल। आप डॉक्टर हैं तो मुझे, मैं ना आपका टेस्ट लेना चाह रही हूँ। जी जी बताए, ले 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 टेस्ट। मुझे आपने काउंटिंग सुनानी है 50 से ऊपर उर्दू में। उर्दू में? हाँ। 51। यार मेरी बात सुनो, तुम किस तरफ जाना चाह रही हो, वो मतलब 50, 51, 52, 53, 54, 65, 68, ये हमारी आगे आगे 68, 69, हमारे ना पाकिस्तान की डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल, तो पंजाबी नहीं आती, उर्दू नहीं मुझे आती, तो मैं क्या करूँ, मुझे इंग्लिश में लिखना आता है, इंग्लिश में बोलना आता है। 99 क्या होता है? 99 होता है 50, पंजाबी बोला है मैंने। अच्छा 59। अल्लाह क्या, कहाँ से पढ़ा है आपने? चलो, मैंने अपने घर से पढ़ा, अपने घर से पहली इंसान। वाले कितना सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को ले? यार ऐ ते मेरे तो दिल दी गल कीती है, काके कोई देखदा तो नहीं पिया, कार वाले ते मैनू किसे खाते च नहीं समझदे। कहते ये क्या तमाशा लगाया हुआ, ठीक हो गया ना,
तमाशा तो बोल सकते हैं ना। अब फिर उसके बाद कहते हैं ये मतलब तुम लोगों से मिलता क्या है, काम क्या है। तो मैं क्या बताऊँ, मेरा अवार्ड आया यूट्यूब का सिल्वर बटन, डाकिया लेके खड़ा है, मिठाई खिला दो, तो मेरे घर वाला कह रहे हैं नवा एक इकट्ठा खुलने लगा है। पेमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह आती है। कितनी कोई आ चुकी हुई है यूट्यूब यार, मेरे ख्याल से ना जो यूट्यूब चला रहे हैं उनको पता होती है कितनी आती है। हाँ। लेकिन मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ। अभी आईफोन ले सकती हैं आप 16 जो नेक्स्ट आ रहा है? नहीं नहीं अभी नहीं ले सकती इतनी तो नहीं ना, कि देर नोकिया 3310 ले सकती हैं वो अब आता नहीं मॉडल। मोटोरोला लूंगी। हेलो मोटो। हाँ बिल्कुल, देखा ना जिसमें मेरी वॉइस होगी, साउंड होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चल बड़ी काफ़ी फनी सी हैं आप नेचर। शादी हुई भी आप? शादी हाँ बिल्कुल हुई भी है, और शादी होके बच्चे भी हैं, नानी भी हूँ, दादी भी हूँ। अब सारा कुछ तो ना पूछे जाओ, मेरी उम्र के उम्र का हिसाब लगा लेते फिर लोग। यंग मम्मा है वैसे आप, मुझे वाकई मुझे भी नहीं पता था कि इनकी शादी हुई। तुम बहुत क्यूट हो, तुमने मुझे गर्ल भी कहा, लड़की भी कहा, यंग भी कहा। यही बात मुझे बड़ी पसंद आती है एंकर्स में, जो मुझे इतने प्यार से कहती हैं। बस लव मैरिज की थी, अरेंज की थी? है अरेंज मैरिज, लव मैरिज छित्र खाने तो घर में थे। हमारे घर में लव शव वाला कोई काम नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि आप टिकटॉकर हैं, तो मैंने सुना है टिकटॉकर्स के बाद बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, मतलब संभालने नहीं होते, वो तो एक इवेंट पे जाने के बड़े बड़े पैसे ले लेते हैं, तो आप कितने पैसे लेती हैं? यार देखो ये सच है, इवेंट पे जाने के पैसे ले लेते हैं, मैं भी लेती हूँ। लेकिन मेरी जो डिमांड शुरू होती है वो लाख रुपये से होती है एक इवेंट पे जाने की। लेकिन जो बड़े टिकटॉकर हैं उनकी 10 लाख 20 लाख, लेकिन जो बहुत ज़्यादा 10 मिलियंस वाले हैं उनकी तो 50 लाख से शुरू होती है। अगर मैं बात करूँ जन्नत मिर्ज़ा की, वो कितने पैसे लेती है जाने? मिर्जा तो 50 लाख से ऊपर ही लेती है। हाँ। इवेंट पे सिर्फ एंट्री करने के, सिर्फ जस्ट जाके वो वहाँ पे 5 से 10 मिनट रुकेगी। हाँ। और लोगों के साथ अगर पिक्चर्स उसको दिल किया वो खिंचवाएगी। हाँ। दिल हुआ नहीं खिंचवाएगी और फिर वो निकल आएगी। खाना पीना भी नहीं उसने वहाँ से खाना। एना तो मेकअप लवा ला, मेकअप लगा के इन्हों उम्र का अंदाज़ा लगा, इन्हों दंदियां दे एक्सरे कर दांतों के। हर इंसान के दांतों की स्पेस से उसकी उम्र का पता चलता है। ये सही बात बता रही हूँ, तो ऐसा एक्यूरेट डेट मैं तेन दस सक रही हूँ। ये मुझसे सारी बड़ी हैं यार, ये कमर अफ्ताब मुझसे बड़ी है, जन्नत मिर्जा मुझसे बड़ी है, अलिशबा मुझसे बड़ी है, डोली फैशन तो बहुत ही बड़ी है, और बाकी रह गई और कौन सी केरी रह गई टिकटॉक, मिनाहिल मलिक छोटी थोड़ी छोटी है मुझसे थोड़ी सी, बस एक आधा साल। ये सारी जो है ना इन्होंने अपने हाथों में मुझे खिलाया है। क्या हो गया है? नहीं बेचारी अभी होश नहीं हो गई कैसे? उस वक्त मैं पतली थी ना, छोटा सा बेबी था, मुझे लेके घूमती थी, मेरी 2 पोनियाँ बनाती थी, अब मैं इनकी 2 पोनियाँ बनाती हूँ मेकअप आर्टिस्ट होके। और मेरी एक और विश है, आप ना मुझे कैटवॉक करके दिखा, मुझे उठाना पड़ेगा पहले मैं। चलो या चला। हम ना साइड पे आ चुके हुए हैं कि कैटवॉक हमें करके दिखाएंगे कि कैसे करते हैं। अच्छा ये देखो ऐसे डालना पॉकेट्स में हाथ, ये ऐसे पीछे से तो पकड़ ली ना जरा सा मुझे, ये ऐसे यार पकड़ तो ले। सीने निकल गए अभी। पोज कैसे देने होते हैं? बिल्कुल सही है। इनके अंदर की जो मॉडल है ना, मोटी मॉडल, वो जाग चुकी हुई हैं। अब भी मेरे से मॉडलिंग सीखो, चलो करके दिखाओ मुझे। नहीं मेरे से नहीं होती है ना, मैं तो सीधा चलना होता है। एंकर डर गई, एंकर डर गई, डर गई, डर गई। मुझे मॉडलिंग मॉडल देख के ना डर लग गया। चलें जी, मेरे साथ मौजूद थी रूबी मलिक, इनका तारुफ मैंने करवाया है, अभी ये मुझे धक्के दे रही हैं, लेकिन इंटरव्यू हो गया। वह डॉक्टर हैं, ब्यूटिशियन हैं, मॉडल हैं, डिज़ाइनर हैं, मतलब पता नहीं क्या कुछ हैं, अल्लाह हाफिज़ है इनका जो भी हैं, बहुत अच्छी बंदी हैं। बात बेसिकली ये है, उम्मीद है कि इनकी वीडियो, इनकी बातें आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए तो जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।